हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं दोस्तों? होप सो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, हम लोग आए हुए हैं गोवा घूमने से। मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही थी तो हम लोग यहाँ साउथ गोवा की तरफ आए हुए थे। और रियल में यार, इतनी धूप और टैनिंग से मतलब मेरा ना ये नोज का एरिया, मैं आपको दिखाऊंगी पिक। मैं मतलब ना अब आपको दिखा देती हूँ, मैं क्रीम भी लेकर आ रखी हूँ लोटस की, और मेरी आधी ये ख़त्म हो चुकी है। पर अब मैं यहाँ गोवा आई हुई हूँ तो मैं ये तो नहीं होगा कि मैं पानी में ना जाऊँ या धूप में ना जाऊँ, क्योंकि क्या होता है यहाँ होल डे पानी में ही रहना पड़ता है। और गाइस, ये हमारा रूम है, बहुत अच्छा रूम है, और ये रॉकेट कैफ़े करके पड़ता है, साउथ गोवा में है, काफ़ी अच्छा, नीट एंड क्लीन है। और ये हट टाइप से है, देखिए आप ऊपर ये है। और अभी थोड़ा सा रूम, अभी हम लोग बाहर से ही आए हैं, जस्ट अभी चाय पी कर आए थे तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ, पर थोड़ा सा बेकार हो रखा है तो प्लीज़ माइंड मत करना। तो ये यहाँ पे हैंगिंग में दे रखा है, छोटा सा फ्रिज भी है, और ये छोटा सा मिनी, ऐसे आप कुछ भी ठंडा रख सकते हैं। कपड़ों पे ध्यान मत देना क्योंकि ये वॉश किए थे कपड़े तो धूप में सूखे हैं, तो अभी जस्ट लाके रखे हुए हैं। यहाँ पे कुछ कपड़े हैंग किए हुए हैं। ये वॉशरूम है, काफ़ी अच्छा है यहाँ का, ये भी काफ़ी अच्छा बड़ा है, नीट एंड क्लीन है, और काफ़ी अच्छा ग्लास भी दिया हुआ है, ये शीशा बहुत अच्छे से दिया हुआ है, काफ़ी पसंद आया मुझे हर चीज़, मतलब अच्छा है, परफेक्ट है, और काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा। तो बस मैं बताना ये चाह रही थी कि मेरा ना सनस्क्रीन लगाने के बाद भी ना नोज़ के आसपास थोड़ा थोड़ा, देखो स्किन ना आपको दिख रहा होगा या नहीं, देखो यहाँ से ना ब्लैकनेस आने लगी है, देखो कितना इस फर्क पड़ता है टैनिंग का ना, ये जो धूप ये होता है ना वेदर की वजह से बहुत फर्क पड़ता है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हम लोग धूप में जाते हैं, और ये पानी जो होता है यहाँ का, ये होता है सॉल्टी वाटर, तो सॉल्टी वाटर की वजह से ये हमारी जो है स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान भी करता है। तो देखो, तो अभी मैं रेडी थी आगे बढ़कर, पहले मैं आप लोगों से मेरे को रूम भी दिखाना था, बहुत अच्छा रूम है, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे रूम में आई हूँ, मतलब इस टाइप के पूरा हट शेप में है और बाहर पूरा रिजॉर्ट में है। तो गाइज, और बाकी आप सब लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे होप सो। अपना ध्यान रखना है, पिगमेंटेशन को जाने दो, एंजॉय करना भी ज़रूरी है, वो ठीक हो जाएगा, पर हमारी डाइट चालू रखनी है। सब मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरी डाइट प्रॉपर नहीं हो पा रही थी 2-4 दिन से, क्योंकि क्या था ना, वही चिटर पुटर चुटर पुटर चल रहा था, पर फिर भी मैं ध्यान रखती हूँ। तो अभी मैं सलाद भी लिया मैंने, पानी का इंटेक तो मैं पता नहीं कितनी बॉटल्स, देखो आप मेरी, मैं बॉटल दिखाती हूँ आपको, तो कितना सारा सामान रखा है, देखो बॉटल्स, ये सारी बॉटल आज ही की ली हुई है, कुछ खत्म हो गई है, कुछ बची हैं, तो खूब चल रहा है। सनस्क्रीन तो मैं काफी सारी लेकर आई थी तो वो मैं लगाई थी। तो मैं बताई सनस्क्रीन लगाना, आप लोग बोलते हैं ना क्यों लगानी है, क्या जरूरत है, या वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं ना तो स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है, हमारी स्किन खराब हो जाती है, तो सनस्क्रीन तो आपको लगाना ही, स्पेशली धूप में से। कि अब मैं यहाँ पर आई हुई हूँ तो मेरे लिए सनस्क्रीन बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर मैं सनस्क्रीन नहीं लगाऊंगी ना तो मेरी वापस से पिगमेंटेशन आने लगी। इसके बाद भी मेरे को देखो, मैं बिल्कुल रोशनी में, हल्की हल्की मुझे यहाँ वाले एरिया में ना अपना लग रहा है, देखो आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का, और इधर देखो, तो ये क्या पिगमेंटेशन नहीं आई है, पर क्या है हल्के हल्के जो है स्किन जो है डार्क होने लगी है। जैसे आज हम लोग धूप में थे, होल डे में धूप में रहे, मतलब मैं पानी में भी कम से कम 3 घंटे पानी में, क्योंकि आप जब बीच में जाते हो तो बीच से निकलने का मन ही नहीं करता, पानी में इतने मज़े आते हैं। तो मैं बीच साइड में बैठी हुई थी तो क्या हुआ, जैसे कि 1 मिनट साथ तो बंद कर दे, तो फिर क्या था, बीच में बैठी हुई थी तो पानी आया, पानी पूरी गीली हुई, फिर सूखा धूप में, तो वो जो ठंडा गर्म और धूप में तो इतनी तेज़ धूप होती है, पर यार लगता है जब आया तो घूमना ही है। तो मतलब बस मेरे को ये बताना था कि सनस्क्रीन का फ़र्क है, मेरे हाथ देखो काले हो गए, देखो क्योंकि हाथों में मैंने नहीं लगाई, खाली फेस पे, तो मैं इतनी ज़्यादा लगा के जाती हूँ, पूरी पूरी लेयर लगा लेती हूँ उसमें नहाने के बाद, ताकि उसका इफेक्ट ना आए। हालांकि और ये जो सनस्क्रीन मैं लेकर आई हूँ ये वाटर से भी बचाती है, अगर आपको मतलब पानी में भी जाओगे तब भी ये आपकी स्किन पर लगी रहेगी, हटती नहीं है। तो मुझे लगा कि हाँ सच में एक्चुअल में है ऐसा, तो सनस्क्रीन लगाना इसलिए ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ताकि आप अपनी स्किन को सेफ रख सकें, आपकी स्किन खराब ना हो। तो अब जैसे मैं यहाँ पे आई हुई हूँ ना, अगर मैं नहीं लगाती तो मैं अब तक मेरी पिगमेंटेशन पूरा फेस काला पड़ा था, और मेरी स्किन में रेडनेस आ गई मेरी नोज के आसपास, आज मैं देख रही थी हल्की की रेड, देखो ये, देखो ये एरिया, देखो दिख रहा होगा आपको, देखो मैं ऐसे कर रही हूँ ना तो दिख रहा है, देखो रेड रेड होने लगी है स्किन मेरी, यहाँ से दिख रहा होगा आपको, ये देखो अभी दिख रहा है ये, और ये पहले रेडी होती है फिर ये काली पड़ती है। तो मैं वही सोच रही, मैं इतनी मेहनत करी है और ये फिर से मतलब वैसे होने लगी है, तो
इसलिए मैं आपको बोलती हूँ सनस्क्रीन जरूर लगाओ, बिना सनस्क्रीन में धूप में नहीं जाना है, घर में लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर में है तो घर में नहीं लगानी है, घर में बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, पर अगर आप बाहर जाते हैं तो जरूर लगाओ। गाइस डाइट लेते रहो, डाइट। अब यहाँ पे इतने सारे फॉरनर्स मुझे मिले, इतने फॉरनर्स हैं यहाँ पे साउथ गोवा, अगर आप आते हो ना तो आपको यहाँ पे मतलब मुझे 80% यहाँ पे फॉरनर्स ही दिखाई दिए। रशियंस बहुत ज़्यादा हैं, अलग अलग कंट्री के। इवन जो हमारी रिजॉर्ट है इसमें भी मतलब मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे भी 70% 60% फॉरनर्स ही हैं जिनका बुकड है। और गाइज ये लोग 2 3 दिन महीने के लिए यहाँ पर आते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, इतना अपनी बॉडी को जैसे क्या होता है, इनके वहाँ बहुत सर्दी होती है तो गोरे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनके वहाँ पे इतनी सर्दी होती है, इतनी बर्फ़ पड़ती है कि इनकी स्किन ना, इनको मुझे तो विटामिन डी भी कम हो जाता होगा इनकी बॉडी में। तो ये यहाँ पे आके सन बाथ लेते हैं गाइज, ये घंटों घंटों मतलब मैं 3 डेज से, तो मैं भी यहाँ पर हूँ तो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ये लोग नहाते हैं और आके वहाँ पे लेट जाते हैं धूप में, और पूरी पूरी बॉडी को धूप में रखते हैं, पूरा पूरा मतलब दोपहर के धूप जहाँ पे हम सनस्क्रीन लगाते हैं। तो मैंने इनकी बॉडी इनकी स्किन पे भी देखा, इनकी स्किन पे भी जो है ब्लैक ब्लैक है, टैनिंग, ये अपनी स्किन की स्किन पूरी रेड हो जाती है। तो मैं अभी वही मतलब मेरा, क्योंकि क्या हम लोग हैं अपनी स्किन को लेके बहुत वो कॉन्शियस, तो हमारा ध्यान यहीं जाता है किसकी स्किन कैसी होता है ना, तो मेरा ध्यान भी यहीं पे। तो सब लोग बैठे हुए थे रेस्टोरेंट में देख रही थी, तो इनकी भी स्किन धूप में रहने की वजह से पूरी रेड हो जाती है। तो ये लोग खुद से टैनिंग करते हैं क्योंकि इनके पास सर्दी इतनी होती है, तो यहाँ पे आते हैं तो ये पूरा टैनिंग खुद से करते हैं, पूरी होल बॉडी बिकनी पहनते हैं, देन पानी में जाते हैं, फिर ये धूप में आते हैं, फिर जब इनको थोड़े और गर्मी लगने लगती है कि यहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो ये फिर से धूप बीच में जाते हैं, फिर से वापस आते हैं, तो ये इस तरह से करते रहते हैं। तो गाइज मैंने आज देखो गोवा से भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाई, मुझे अभी भी अपने दोस्तों का याद है। लव यू ऑल, और ऐसे ही योगा करते रहिए विश्वास के साथ, देखिए आपका चेहरा भी चमक उठेगा और पिगमेंटेशन चली जाएगी। तो ध्यान रखो, खुश रहो, बेसिकली खुश रहो। मैं देखती हूँ यहाँ पर ये लोग आ रखे हैं या इतने हेल्थ कॉन्शियस होते हैं खाने को लेके। अभी मैं यहाँ पे मेन्यू में देख रही थी, मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इनका मेन्यू देख रही थी, इसमें भी ना इंग्लिश ब्रेकफास्ट, इंग्लिश इटालियन ये सब देख रही थी। तो गाइस उसमें मैं देख रही थी इसमें पूरे इसमें इनका मेन्यू कार्ड में मतलब जो कॉमन ही है सबके लिए, पर वहाँ पे मतलब, तो गाइस आप देखो जब 3 महीने तक ये लोग बाहर खाना खाते हैं, यहाँ पर रहते हैं, तो देखो आप बाहर का खाना खाते हैं, हम लोग ज़्यादा थोड़े दिन बाहर का खाना खाते हैं, तो इंडियन फूड हम लोग इतना स्पाइसी और इतना खाते हैं कि हमें गैसेस होने लगती है, पेट फूलने लगता है, लगता है बहुत हैवीनेस होगी। पर देखो ये लोग 3 3 मंथ्स तक यहाँ रहते हैं। कैन यू इमेजिन, मेरे पड़ोस में जो है वही मतलब थोड़ा एज्ड है, वो उनसे थोड़ी बात हो रही थी ऐसे ही, तो मैंने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने मुझे बताया बाहर से ही है। तो बताए दो दो आप इसे न्यू ईयर का टाइम आने वाला है, तो अभी नवंबर चल रहा है, तो आप लगा लो वो 2 महीने यहीं रहने वाले हैं, तो 2 मंथ्स तक समझ लीजिए आप वो यहीं पर रहेंगे और यहीं पर खाते हैं। अब देखो उनका खाना देखती हूँ मैं, ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा चिकन रहेगा, एक बॉयल्ड एग रहेगा, और सारी जो सब्जियाँ होती है वो सॉटे रहेगी, मतलब एक सलाद रहेगा, मतलब इस टाइप से वो लोग खाना खाते हैं। तो चाहे, और पता है सुबह जब बीच साइड हम लोग जाते हैं तो लोग इतनी योगा और एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो मतलब देख के लगता है कितने हेल्थ कॉन्शियस हैं ये लोग, तब भी वो लोग स्लिम रहते हैं, उनकी इतनी लीन बॉडी, किसी का पेट नहीं दिख रहा। हम लोगों में इतने बड़े बड़े पेट हो जाते हैं, वो वेट हो जाता है, PCOD, पर ये लोग इतने स्लिम और लीन की बॉडी है ना, बहुत अच्छा है। तो मतलब मैं वही देख रही, ये लोग खाने वाने में इनमें बहुत डिफरेंस है, मतलब बहुत अच्छा खाते हैं, इवन ड्रिंक्स वगैरह भी लेते हैं ये लोग, पर इनका खाना बहुत अच्छा रहता है। तो गाइज खाना बेस्ट है, आप खाने पे ध्यान दीजिए, अगर आप खाना अच्छा खाए। और देखो ये लोग यहाँ पे रिलैक्स करने आते हैं, मतलब मैं एक एग्जाम्पल हूँ कि अभी मैं आजकल वही उसी जोन में हूँ, तो इन्हीं लोगों को देख रही हूँ, तो मेरे माइंड में वही चल रहा है इनका लाइफ स्टाइल, क्योंकि हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं यही लोग तो मिलते हैं, पूरा गोवा इनसे भरा हुआ है। और इनका खाना वाना मैं देखती हूँ, हम लोग ब्रेकफास्ट के जाते हैं आसपास बैठे, तो मैं देखती हूँ वही चीज़, मतलब कितना मैं क्या आलू के पराठे ऑर्डर किए मैंने एक दिन, ब्रेड ऑमलेट किया, पर ये लोग को इनका अलग ही खाना था यार, बिल्कुल डिफरेंट था। तो वही मैं देखती, हेल्थ को लेके ये लोग काफ़ी अवेयर रहते हैं, पर हम लोग उतना ध्यान नहीं देते। जैसे मैं घर पे थी, मैं पूरा फॉलो कर रही थी, अब मैं इधर आई तो मैंने खुद इग्नोर, मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो गाइज आप भी ध्यान दीजिए, खाना पीने का ध्यान दीजिए, खाना ही सब कुछ है, अच्छा खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, मेडिटेशन कीजिए और पिगमेंटेशन को बाय बाय कीजिए। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, गोवा से आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार, और भगवान आपको ये प्रॉब्लम फटाफट ख़त्म करें, और जो भी होगा अच्छा होगा, बी पॉजिटिव, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।